नमस्कार प्रिय संस्कृत छात्रों आइए आज दसवीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक शमुषी भाग दो के चौथे पाठ शिशु लालनम् इसका अध्ययन करेंगे यह पाठ एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक से संकलित किया गया है जो मूल नाटक है उसका नाम है कुंदमाला और इसके लेखक हैं दिंग नाग ये एक बौद्ध विद्वान थे जो पाँचवीं लगभग पाँचवीं सदी में उड़ीसा में जन्म लिए थे इस पाठ में जो अंश है उसका संक्षेप में मैं आपको सार बता देता हूँ और सार इतना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जब जानते नहीं थे कि उनके दो पुत्र हैं लव और कुश और वो जब उनके राज्यसभा में आते हैं तो उनको वो सिंहासन पर बिठाने के लिए आमंत्रित करते हैं बिना ये जाने हुए कि ये उनके ही पुत्र हैं केवल वात्सल्य भाव उनके अंदर स्वाभाविक आ जाता है और उससे वो उनको गोद में बिठाना चाहते हैं सिंहासन में बिठाना चाहते हैं किंतु ये दोनों जो सुकुमार बालक बड़े विनीत हैं वो उससे मना कर देते हैं फिर भी उनको वो गोद में बिठाना चाहते हैं और बाद में वो बालक दोनों राम कथा का गान करते हैं उससे पहले तक ये अंक समाप्त हो जाता है इतना ही इस कथा का सार है किंतु इस कथा का सार तो इतना है किंतु इसकी जो भाषा है वो काफ़ी साहित्यिक भाषा है इसको समझने के लिए थोड़े संस्कृत में प्रौढ़ता की आवश्यकता होती है और किंतु पढ़कर जब इसके भाव आप समझते हैं तो बहुत सुंदर लगता है आइए हम आ, एक एक पंक्ति पंक्तिश इसका हम अध्ययन करते हैं तो पहला दृश्य सिंहासनस्थ रा अर्थात राम जो है सिंहासने्ठती सिंहासन स्थ इति सिंहासनेंहासनस्थ यानी राम जो है सिंहासन पर विराजमान है ये दृश्य है ततः प्रवेश विदूषकन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुश तो दो तापस यानी तपस्वी बालक कुश और लव ये विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ विदूषक उनको मार्ग दिखाता हुआ उनको साथ में लेकर आते हैं दोनों अंदर प्रवेश करते हैं तो विदूषक कहते हैं इत इत आर्यौ इत इतः संधि होकर वहाँ विसर्ग लोप दिखता है इत इत आर्यो है दोनों आर्य इधर से आइए इधर से आइए इस प्रकार से ये कहने की शैली है संस्कृत में जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि प्लीज़ दिस वे इस प्रकार से हम कहते हैं हिंदी में आइए 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 इधर से हम इस तरह से रास्ता दिखाते हैं तो संस्कृत में इसके कहने की शैली है इत इत आर्य आर्यौ द्विवचन है इसलिए कुशल कुशलव यानी दोनों कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य राम के पास जाकर प्रणाम करते हुए कुश और लव पूछते हैं अपि कुशलम महाराज जब संस्कृत में अपि शब्द वाक्य के बीच में आता है तब उसका अर्थ होता है अल्सो यानी भी यही अगर अपि शब्द हम बीच में कहीं ले आते हैं जैसे कि कुशलम अपनी महाराजस्य कुशलम महाराजस्य अपि तो इसका अर्थ होता है महाराज का भी कुशल है किंतु अगर अपि शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो वो प्रश्नार्थक एक अव्यय बनता है तो जब अपि कुशलम महाराजस्य ऐसे कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि क्या महाराज का कुशल है यानी उनके कुशल मंगल वो पूछते हैं फिर राम कहते हैं दर्शनात कुशलम इव युष्म दर्शनात् अर्थ होता है युवो हो दर्शनात् यानि तुम दोनों के दर्शन से कुशलम इव हम कुशल जैसे हैं देखिए एक प्रकार के शिष्टाचार है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कुशल मंगल सब है कि नहीं और जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो अधिकतर इसी प्रकार से अपने अपने हाल बताते हैं कि हाँ आपके दर्शन से हमारा बहुत अच्छा हुआ है तो दर्शनात कुशलम इव हो किम वशल प्रश्न से भाजनम एव न पुनः अतिथिजन समुचित कंठाश्लेष से कह रहे हैं कि भवतो हो यानी आप दोनों के कुशल प्रश्न से भाजनम एव वयम क्या हम आपके सिर्फ ये कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं यानी क्या आप यहाँ आए हैं सिर्फ हमारे कुशल मंगल का ही प्रश्न करेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि हमें गले लगाएंगे यानी पुनः अतिथिजन समुचित समुचितस्य कंठाश्लेष कंठाश्लेष शब्द का अर्थ है आलिंगन करना तो कह रहे हैं कि जब अतिथि आते हैं तो हमें गले मिलना चाहिए तो अतिथि जना समुचित यानी अतिथियों के लिए जो शोभा देता है गले मिलना कंठाश्लेष करना तो क्या आप उसके लिए हमें पात्र नहीं समझते हैं केवल हमारा कुशल मंगल पूछना इतने का ही हमारा हमारा पात्र तो रह जाता है यानी आप सिर्फ हमारा कुशल मंगल पूछकर ही शांत हो जाएंगे हमें गले नहीं लगाएंगे जो अतिथि को करना चाहिए इस प्रकार से राम उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनको आलिंगन करके यानी आलिंगन करके कह रहे हैं कि अहो हृदयग्राही स्पर्श ये तो ये जो स्पर्श है ये दोनों बालकों को गले लगाकर जो महसूस होता है वो अत्यंत हृदयग्राही है हृदय गृहणाती इति हृदयग्राही क्योंकि देखिए यद्यपि पिता पुत्रों को नहीं जानते पुत्रों को भी पता नहीं कि ये हमारे पिता हैं तब भी एक रक्त संपर्क का जो होता है वो स्पर्श खुद ही खुद बयां करने लग जाता है आ, और बिना जानकर भी ये मेरे पुत्र हैं उनको आलिंगन करते हुए पिता को बड़ा ही एक सुख का अनुभव होता है इसलिए वो मनी मन ऐसे कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्श तब आसनार्धम उपवेशयति तो कहते हैं कि अपने सिंहासन में आधी जगह देकर कहते हैं कि आप आइए इस सिंहासन पर बैठ जाइए अब दोनों उभौ ये कहते हैं कि राजासनम खलु एत न युक्तम अध्यासितुम ये राजा का आसन है ना इसलिए अध्यासितुम न युक्तम इस पर हमें बैठना योग्य नहीं है उचित नहीं होगा न युक्तम यानी न उचितम अध्यासितुम यानी उपविष्टुम बैठने के लिए ये उचित जगह नहीं है क्योंकि ये राजासन है और राजा को ही शोभा देता है राजा राजा में बैठने का तो राम कहते हैं देखिए कितने चतुराई से उनको आ, कहते हैं कि सव्यवधानम न चारित्रलोपाय तस्मात् अंक व्यवहित अध्यास्यता सिंहासनम कह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट यानी साक्षात अगर सिंहासन में बैठते हैं तब आपके चरित्र में दोष दिखेगा किंतु अगर बीच में कुछ व्यवधान आ जाए अर्थात मैं सिंहासन पर बैठा हूँ और मेरे गोदमर गोद पर आप अगर बैठ जाते हैं तो उसको सिंहासन पर बैठना नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में व्यवधान आ गया मेरा मेरा गोद जो है वो व्यवधान आ गया तो सब व्यवधानम न चारित्र लोपाय चारित्र की हानि नहीं करती है क्योंकि व्यवधान बीच में है तस्मात इसलिए अंक व्यवहित अध्यास्यता सिंहासनम सिंहासन पर आप बैठिए किंतु बीच में व्यवधान रहेगा मेरे गोद इस प्रकार से अंकम उपवेशयति जब वो अपने गोद पर बिठाते हैं तो दोनों उभौ अनिच्छा नाटयत अनिच्छा को प्रकट करते हैं अपने अभिनय के द्वारा राजन अलम अतिदाक्षिण्य दाक्षिण्य शब्द का अर्थ है उदारता तो अत्यंत अत्यधिक उदारता की आवश्यकता नहीं है राजन आप राजा हैं और हम प्रजा हैं इसीलिए जितना एक सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए उतने होनी चाहिए आप हमें क्यों गोद में बिठाना चाहते हैं इस प्रकार से वो अनिच्छा को अभिनय से व्यक्त करते हैं तो राम कहते हैं कि अलम अतिशालीनताया तो जब दोनों लव कुछ कहते हैं कि अलम अतिदाक्षिण है न तब राम कहते हैं कि अलम अतिशालीनतया देखिए कितने कौतुक भरा ये संवाद है आ, वो कहते हैं कि इतना अधिक उदारता दिखाने की जरूरत नहीं है तब कहते हैं कि आपको भी इतनी ज़्यादा शालीनता दिखाने की ज़रूरत नहीं है अलम शालीनतया शालीनता यानी शालीन होने का जो भाव है आ, शालीन यानी विनम्र होने की जो भाव है तो कहने की आपको भी इतने विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है हम कह रहे हैं ना आप आइए गोदमर बैठिए आप बैठ जाइए आप इतने विनम्र मत रहिए क्यों क्योंकि भवती शिशुजना वयोनोधात गुण महता लाल व्रजति हिमकरोपि बालभावात पशुपतिमस्तक केतक छद कह रहे हैं कि शिशुजन व्यो अनुरोधात लालनीय बी गुण महता गुणों से युक्त बड़े श्रेष्ठ विद्वान जनों के भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके उम्र के कारण लालनीय ही होते हैं यानी लाड़ प्यार के ही अधिकारी होते हैं हिमकरोपि बालभावात एक उदाहरण दे रहे हैं वो कि देखिए हिमकर हिमकर किसे कहते हैं हिमम करोति शीतम करोति यानि चंद्र तो चंद्र जो है बालभावात पशुपति मस्तक केतक छदत्व व्रजति कह रहे हैं कि जब वो चंद्र जब बालभाव में होता है यानि जब वो कटा हुआ पतला एक कोर वाला होता है तो उसको हम बाल चंद्र कहते हैं जो प्रतिपदा द्वितीय तिथि में दिखता है चंद्र जो उसका एक हिस्सा ही दिखता है अमावस्या के अगले दिन रात को जो पतला कोर एक निकलता है वो है बाल चंद्र तो जब वो बाल चंद्र रहता है तो तब क्या करता है वो पशुपति यानी शिव शिव जी के मस्तक पर आके पहुंच जाता है।, है ना क्योंकि वो बाल है जब पूरा चंद्र होता है तब जी के मस्तक में वो नहीं रहता है लेकिन बालचंद्र जो है न बालभावात्त हिमक अभी चंद्र अभी व्रजति यानी गच्छति गच्छति पशुपति मस्तक केतक छदत्व पशुपति के मस्तक में शिवजी के मस्तक में जो केतक की फूल के समान आकर वो शिवजी के मस्तक पर बैठ जाता है जब बाल बालचंद्र होता है चंद्र जब छोटा होता है वही जब बड़ा होता है तब कोई सर पे नहीं बिठाता है तो इसी प्रकार से आप भी छोटे बच्चे हैं हमारे सामने तो चाहे हम कितने बड़े राजा हों हमारा सिंहासन कितना ही मूल्यवान हो फिर भी आपका वो अधिकार हो जाता है कि आप आकर यहाँ पर हमारे गोद पर बैठ सकते हैं इस प्रकार से राम उनको समझाते हैं फिर कहते हैं कि एष भवतो सौंदर्यावलोक जनित न कौतूहलन क्षत्रियकूल पितामहोर सूर्यचंद्र कौवा भवतो वंश से कर्ता यानी कि भगवत वंशस्य कर्ता क आपके आप दोनों के वंश के मूल कर्ता कौन हैं यानी किस वंश में आप उत्पन्न हुए हैं क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि भो सौंदवलोकजनित कौतूहलन पृछाई मुझे मेरे मन में कौतूहल आ रहा है कि आप आपका जो सौंदर्य को देखकर जो मेरे मन में जो उत्पन्न हो रहा है कौतूहल उससे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके वंश के वो कर्ता कौन है कह रहे हैं कि क्षत्रिय कुल पिता महयो हो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंश से कर्ता कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय कुल हैं पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जो क्षत्रिय कुल हैं ये क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं दो हैं दो पितामह हैं यानी आप सब सुने होंगे रामायण में महाभारत में किस कुल से उत्पन्न बोलते हैं कि सूर्य वंश में कोई बोलते हैं चंद्र वंश में तो इस प्रकार से कहते हैं कि दो पितामह हैं क्षत्रिय कुल के यानी पितामह यानी जो पुरखे होते हैं दादा परदादा होते हैं ऐसे तो दो, है। दो हैं जिनके यहाँ से सारे क्षत्रिय वंश उत्पन्न होते हैं वो हैं सूर्य और चंद्र यानी आप सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो इस प्रकार से राम जी उनको पूछना चाहते हैं तब तो लव कहते हैं भगवान सहस्र दीधिति ही आ, कितने बढ़िया साहित्यिक भाषा आप देख रहे हैं उन्होंने पूछा कि आप सूर्य चंद्र कौन से वंश में उत्पन्न हुए हैं या कोई और वंश में उत्पन्न हुए हैं तो कह रहे हैं कि हे है भगवान सहस्र दीधीति ही अस्माक वंश से कर्ता यानी हमारे वंश के कर्ता कौन हैं सहस्र दीधीति ही दीधीति शब्द का अर्थ है किरण रश्मि है ना हजारों यानी असंख्य रश्मि देने वाले जो हैं वो हैं हमारे वंश के कर्ता अर्थात तो असंख्य रश्मि किससे आते हैं सूर्य से तो कहें कि सहस्र ही यानी सूर्य है हमारे वंश के कर्ता हम सूर्य वंशी हैं इस प्रकार से वो अपना परिचय देते हैं तो फिर राम सोचते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनऊ समृत तो कैसे किस प्रकार से ये दोनों मेरे साथ समान संबंधी जैसे लग रहे हैं समान अभिजनऊ अभिजन शब्द का अर्थ है कुटुंब परिवार तो जब रामचंद्र को ये समझ में आता है कि अरे ये भी सूर्यवंशी हैं और मैं भी सूर्यवंशी हूँ और हम लोगों का एक ही वंश है यानी हम सगे हैं संबंधी हैं तो एक आश्चर्य उनके मन में आता है तो विदूषक कहते हैं उसी वक्त किम द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम अब दोनों के से एक ही उत्तर दे रहे हैं अर्थात उससे पहले जब वो लव और कुश बोलते थे तो एक साथ बोलते थे तो विदुषा को लगे अजीब बात है आप दोनों एक ही उत्तर दे रहे हैं जो भी किसी को कुछ पूछा जाता है लव कहते हैं भ्रातरा वावाम सोदरियऊ यानी आवाम भ्रातरऊ भ्रातरऊ आवाम संधि होकर भ्रातरा वावाम सोदरियऊ समान उदरम हो सोदरय अर्थात दोनों के दोनों एक ही गर्भ से जन्म लिए एक ही माता के संतान हैं भाई हैं इसलिए दोनों का परिचय तो एक ही होगा तो राम कह रहे हैं कि समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचित अंतरम कह रहे हैं कि शरीर संनिवेश समरूप दोनों के शरीर आकृति भी एक जैसे ही है समान रूप वाले हैं वयसस्तु न किंचित अंतरम और उम्र में भी कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा है फिर लव कहते हैं आवाम यमलऊ हम दोनों जुड़वे हैं यम शब्द का अर्थ है संस्कृत में आ जुड़वा और उसके साथ लव लग भी लगा देंगे तो यमल शब्द का भी अर्थ जुड़वा ही होता है हम दोनों जुड़वे हैं फिर राम कहते हैं संप्रति युज्यते किम के कि हाँ अब तो बात समझ में आती है संप्रति युज्यते किम नामध्येयम तो आपका नाम क्या है अब देखिए नाम को व्यक्त करने की शैली कैसी है लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मान श्रावयामी यानी आर्य के हमारे पूज्य जो हैं आर्य शब्द का अर्थ है सम्माननीय तो जनरली वो गुरुजनों को कहा जाता है कि आर्य तो जब हम आर्य के वंदन करते हैं यानी हमारे गुरु जी का जब हम सम्मान करते हैं तो अपने आप को हम लव कहते हैं लव इति आत्मन आत्मान श्रावयामी इस प्रकार से कहने का अभिप्राय क्या है कि एक जो हम हमारी परंपरा में हमारे संस्कार इस प्रकार से दिए जाते हैं जब आप किसी को प्रणाम करते हैं एक तो है कि वो आपको सामने से देख रहे हों तो आपको पहचान लेंगे कि आप कौन हैं और आप केवल प्रणाम करते हैं अगर कोई ऐसे हैं जो आपको सामने प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं समझ लीजिए कि अत्यंत वृद्ध हैं पहचान नहीं पा रहे हैं तब तो आपको अपने परिचय के साथ आ, आ, सम्मान दिखाना पड़ता है तब आप कहते हैं कि एष अहम जैसे मैं मैं अपना नाम कहूँगा कहूँगा तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा कि एष अहम जतीन्द्र मोहन मिश्र भगवत अभिवाद इस प्रकार से मैं अपने नाम को व्यक्त करते हुए आपको अभिवादन करूँगा तो इस प्रकार से वो लव कहते हैं कि जब मैं आर्य के वंदन करता हूँ यानी गुरु जी के जब मैं सम्मान करता हूँ उनको जब प्रणाम करता हूँ तब इति आत्मान श्रावयामी अपने आप को मैं लव कहकर कहता हूँ देखिए साहित्य में यही एक खासियत है बात को सीधे नहीं कहे जाते एक थोड़े से घुमाव के साथ एक उसमें सौंदर्य जोड़ते हुए आ, अप, अपने आप को व्यक्त करते हैं जब राम जी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है ये सीधे कह सकते थे कि मेरा नाम लव है दूसरा कह सकते कि मेरा नाम कुश है किंतु वो इस प्रकार से कहते हैं कि हम अपने आप को लव कहते हैं कब कहते हैं जब हम गुरु जी के वंदन करते हैं तब और इसी प्रकार से लव जो है वो कुशम निर्देश्य कुश की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं आर्योपी गुरुचरण वंदनायाम और जो मेरे बड़े भाई हैं आर्य वो भी जब गुरु जी के वंदन करते हैं तो कुश फिर वहाँ पर बीच में आकर कहते हैं अहम अपी कुशह इति आत्मा श्रावयामी मैं भी कु नाम से अपने आप को व्यक्त करता हूँ तो रामचंद्र जी कहते हैं हो उदात रम्य कि इनके आचार व्यवहार में कितनी उदात्तता है यानी कितनी संपन्नता है कितने सुसंस्कृत लगते हैं ये लोग कितना संस्कार इनमें भरा हुआ है तो अहो उदात्त रम्य उदात्त गुण से ये रम्य है सुंदर हो गए हैं इनके समुदाचार इनका आचार व्यवहार तो हम आज यहीं तक पढ़ते हैं और इसके आगे की जो है नाट नाट्यांश इस नाटक के जो अंश हैं हम अगले कड़ी में इसको पूरे करेंगे अब तक आप लोगों को यह नाटक कैसा लग रहा है कितने सुंदर बातचीत करने की शैली आपको संस्कृत के नाट्य साहित्य में देखने को मिलते हैं जब आप अच्छे साहित्य उत्कृष्ट साहित्य का बहुत अध्ययन करते हैं चाहे संस्कृत के नाटक हो कविता हो या गद्यांश हो तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे सदाचार के ज्ञान मिलते हैं अच्छे सुंदर व्यवहार करने की शैली सिखाई सीखने को मिलता है इस प्रकार से आप जब संस्कृत के बहुत सारे नाटक का अध्ययन करेंगे तो आपकी भाषा शैली में एक उदात्तता आने लगेगी तो वही आप यहाँ पर देख रहे होंगे अब अगले कड़ी में हम बाकी का अंश पूरा करेंगे तब तक स्वाध्याय करते रहिए और स्वस्थ रहिए धन्यवाद